Hello students, today we are going to read The Earth and the Changes on It, our lesson number 2 of geography. The surface of the earth never remains the same. It constantly undergoes changes. These changes can be sudden or gradual, as I told you in our previous lesson. The sudden changes originate inside the earth due to volcanic or earthquake activities. Okay, these forces bring radical changes and are easily visible. On the other hand, some changes are very slow and take place gradually over a very long time. This could be due to natural forces such as carrying of soil by rainwater, changes in the courses of river, winds carrying soil particles with them, etc. So हमारी जो अर्थ है उसके अंदर चेंजेस तो होते ही रहते हैं. उसका जो सरफेस है वो कभी एक जैसा नहीं रहता. हाँ, चेंजेस हो सकते हैं दो तरह के. एक तो जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, ग्रेजुअल, और एक सडन. और इनमें डिफरेंस भी आपको मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी, प्रीवियस लेसन की, स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि ग्रेजुअल चेंजेस कौन से होते हैं, जो धीरे धीरे होते हैं. वी कैन नॉट ईजिली, हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ठीक है, वो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं. जैसे सोयल के अंदर जो चेंजेस होते हैं, दे आर ग्रेजुअल चेंजेस, क्योंकि हम देख नहीं सकते. और सडन चेंजेस वो होता है जिनको हम बहुत अच्छे तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं. वी कैन ईजिली ऑब्जर्व थ्रू आर सेंसेस, लाइक वोल्केनो इरप्शन, लाइक फ्लड, लाइक अर्थक्वेक. जब ये चीज़ें होती हैं तो एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है. अर्थक्वेक अगर ज़्यादा ज़ोरों से आ जाए तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है. फ्लड आती है तब भी हमें पता चलता है सब कुछ बह जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो सडन होती है, बारिश का आना. ठीक है, तो इसमें क्या है कि 10 मिनट पहले कैसा एनवायरनमेंट होता है, 10 मिनट बाद क्या हो जाता है. अगर अर्थक्वेक ज़ोर से आ जाए, अगर फ्लड ज़ोर से आ जाए, अगर सुनामी आ जाए, तो देख लो फिर क्या डिफरेंस होता है. उस 5, 10, 15, 20 मिनट बाद जो तबाही मचती है वो बिल्कुल अलग होती है. और उस चेंज को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कुछ देर पहले यहाँ क्या था और कुछ देर बाद क्या था. ये जो अर्थ के सरफेस में चेंज होते हैं, ये कोई नेचुरल फोर्स हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया रेन वाटर या रिवर या कुछ भी. देन ह्यूमन फैक्टर्स कैन प्ले एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. Not only natural forces, but human beings are playing an important role in changing the surface of the earth. The examples are cutting down of forest, constructions of roads, bridges and railway lines, large-scale mining, building of dams, etc. ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो human beings हैं वो कर रहे हैं. So, मतलब अर्थ के सरफेस में चेंज ये नहीं है कि सिर्फ नेचुरल फोर्सेस की वजह से ही हो रहे हैं. ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से भी हमारे जो अर्थ की सरफेस है उसमें चेंज हो रहा है. एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग ग्रेजुअल चेंजेस अप ऑन द अर्थ सरफेस. एंड एट फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एक्सटर्नल प्रोसेस, मीन्स जो बाहर से हमें दिखाई देती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एक्सटर्नल प्रोसेस? एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर हो रही है. अर्थ के सरफेस के जो ऊपर हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोसेस. द एक्सटर्नल प्रोसेस में लोअर द लेवल ऑफ द लैंड, इससे लैंड का लेवल कम हो जाता है. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से टूट टूट कर जो सेडिमेंट्स हैं वो गिर रहे हैं और कहीं और जाकर जमा हो जाएंगे. तो नॉर्मल सी बात है, एक जगह से लेवल कम हो जाएगा और दूसरी जगह पर जाकर ये मतलब वहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. तो इसको लेवलिंग ऑफ लैंड कहते हैं. इट कैन ऑल्सो रेज द लेवल ऑफ लैंड वेयर द सोयल पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड. एक्सटर्नल प्रोसेसेस इंक्लूड चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडिएशन. तो सबसे पहले हम करेंगे, व्हाट इज वेदरिंग? व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग क्या है? वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है दैट ब्रेक्स जो स्मॉलर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक्स करती है. जैसे कि यहाँ से ये गिर रहे हैं पार्टिकल्स, ये देखिए इस तरीके से, इसको वेदरिंग कहते हैं. मतलब कि स्मॉलर पार्टिकल जो गिरना ब्रेक जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं. और इसके अंदर आप हमारी इरोजन और डिपोजिशन दोनों ही आ जाती है. व्हाट इज़ द
डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड डिपोजिशन. देखिए अब यहाँ से टूट रहा है और यहाँ जमा हो रहा है, ठीक है. तो नॉर्मल सी बात है कि अगर ये इसी तरह लगातार टूट टूट कर गिरते रहे तो यहाँ का लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा लेवल जो है, ठीक है. तो यहाँ से तो इरोजन हो रहा है, इरोजन का मतलब यहाँ से तो ये चीज़ें टूट रही हैं और यहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, तो ये डिपोजिशन है. डिपोजिशन और इरोजन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर, इनकी कुछ खामियां भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर नुकसान है इसका. इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ये क्या करते हैं, दे डिसइंटीग्रेट एज दे आर एक्सपोज टू ऑल टाइप्स ऑफ वेदर चेंजेस. द इफेक्ट ऑफ वेदरिंग कैन ऑल्सो बी सीन ऑन स्टोन मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स वेयर पीसेज ऑफ स्टोन्स गेट फ्लेक्ड ऑफ एंड आयरन रेलिंग्स गेट रस्टेड. तो जो ये आप आयरन जो रेलिंग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये आयरन की जो रेलिंग्स है इसके ऊपर जो रस्ट होता है यानी जो जंग लगना जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है, तो ये भी एक वेदरिंग का ही जो है कह सकते हैं कि एक तरह की वेदरिंग ही है. तो वेदरिंग के अंदर एक तो टूटना जो मतलब जिनको हम ब्रेकिंग डाउन कहते हैं, इरोजन कहते हैं, एक तो इरोजन, एक फिर उसका डिपोजिशन या इस तरीके से जंग लगना. ये कैसे होता है, जब बारिश लगातार होती है, ठीक है, और लगातार होने की वजह से या मतलब वैसे भी जब भी बारिश होती है और उसकी वजह से जितना भी मतलब आयरन रेलिंग्स हैं या आयरन की जो भी चीज़ें आपके बाहर है तो उसमें क्या है कि एक कनेक्शन बनता है आयरन के और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रो जो पानी है उनका, और उसके बाद वो एक नया ही जो है मटेरियल बन जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं, ठीक है. तो इसीलिए कहते हैं कि लोहे को पानी में नहीं रखना चाहिए, पानी की वजह से ही वो वेदरिंग होती है उसके अंदर. वी कैन सी हियर कि किस तरीके से ये रिएक्शन होता है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाता है जैसे कि इसके ऊपर पानी गिरता है तो जो ये पानी गिरने के बाद जो आयरन है उसका जो रिएक्शन है वो रस्ट के मतलब ऑक्सीजन के साथ होता है और वो रस्ट का रूप ले लेता है. देन आवर कंसेप्ट इज ग्रेडेशन, एंड ग्रेडेशन मीन्स ग्रेडेशन, अग्रेडेशन एंड डीग्रेडेशन. व्हाट इज ग्रेडेशन? ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ द लैंड. ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ द लैंड, यानी कि लेवलिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लेवलिंग दो तरह की होती है. एक तो तब जब कहीं से बार बार मिट्टी जा रही है, बहकर जा रही है या हवा के थ्रू जा रही है, जैसे भी जा रही है, तो वहाँ से एक जगह से उठकर दूसरी जगह चली जाती है. तो एक जगह तो हो जाएगा जहाँ से निकलेगी वो, वहाँ तो इरोजन होगा और जहाँ जमा होगी वहाँ पर डिपोजिशन होगा, यानी डिपॉजिट होगा, जमा होगा. तो जहाँ डिपोजिशन होगा वहाँ का जो लेवल होगा लैंड का वो तो ऊपर उठ जाएगा, और जहाँ से वो टूट के जाएगी, बह के जाएगी, वहाँ से इरोजन होगा, तो वहाँ का जो लैंड का लेवल होगा वो कम हो जाएगा. ओके, तो ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड. ओके, और दिस इज ऑफ टू टाइप्स, एग्रेडेशन एंड डीग्रेडेशन. एग्रेडेशन मीन्स एडिंग ऑफ सेडिमेंट्स एंड रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड, मीन्स इरोजन. इरोजन इज एग्रेडेशन. एंड देन डीग्रेडेशन मीन्स ब्रेकिंग एंड वेदरिंग, वियरिंग अवे ऑफ सेडिमेंट्स एंड लोवलिंग, लोवरिंग द लेवल ऑफ लैंड. और ये तो अग्रेडेशन और डिग्रेडेशन, ये दोनों डिपॉजिट जहाँ होता है वहाँ पर अग्रेडेशन होती है, और जहाँ पर डिपॉजिट, जहाँ से उखड़ के जाती है कोई चीज़ वहाँ इरोजन होता है, तो वहाँ डिग्रेडेशन होती है, यानी वहाँ का लेवल जो है वो कम हो जाता है. ओके, देन व्हाट इज इरोजन? इरोजन यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो लेवल है वो क्या है धरती का, और उसके बाद जो लेवल है वो क्या है. मतलब कि यहाँ पर हमें ये घर पूरा दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर ये घर हमें नीचे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लेवलिंग ऑफ लैंड जो है वो रेज्ड हो गया है, मतलब बढ़ गया है, यहाँ पर डिपोजिशन हुआ है, यहाँ पर हम कह सकते हैं अग्रेडेशन हुआ है. ठीक है, तो डिपोजिशन का मतलब यही है कि डिपोजिशन रेफर्स टू द लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स विच हैव बीन कैरिड फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन. एंड वी विल स्टडी फॉरवर्ड अबाउट द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन इन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोयल एट अदर प्लेसेस. इसका क्या होता है कि ये जब लगातार होता रहता है
तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेवल होता है लैंड का, वो अगर एक बार दो बार ऐसे बह के जाती है तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है लेवल, लैंड का लेवल में। लेकिन अगर ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती रहेगी तब ये चीज़ें होती हैं जिसे हम इरोजन और डिपोजिशन कहते हैं। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन ये देखिए, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पहले मिट्टी थी, ठीक है, लेकिन ये जो वेव्स हैं पानी की, इसकी वजह से ये मिट्टी बार बार नीचे गिरती रही और इससे क्या हो गया, इरोजन बोलते हैं इसको, लैंड इरोजन, सोयल इरोजन। ये आपने साइंस में भी ज़रूर सुना होगा, सोयल इरोजन, जब सोयल बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी है ये यहाँ से चली गई है और ये पेड़ अब नीचे गिरने वाला है। अगर ये चीज़ भी यहाँ से इरोजन इसका हो जाता है तो ये पेड़ डेफिनेटली यहाँ पर गिर जाएगा, ठीक है। तो सोयल इरोजन जो होती है वो लैंड डिग्रेड, यानी कि लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। आपके टॉपिक है डू यू नो मी, ए ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन, तो लैंड डिग्रेडेशन यू कैन सी हियर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो लेवल है धरती का, वहाँ पर पानी था लेकिन यहाँ पर ये रोड है और रोड पर ये आके गिर रही है नीचे, तो ये भी डिग्रेडेशन का ही एग्जाम्पल है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो माउंटेन है यहाँ पर स्लोपिंग जो है एरिया है और इसकी स्लोप की वजह से ये ऐसे गिरती रहती है नीचे बार बार, स्लोपिंग, जैसे थोड़ा सा कोई हलचल हो जाए तो जल्दी स्लाइड हो जाती है जो सोयल है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये इरोजन का परफेक्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह की कई चीज़ें आपने देखी होंगी, ये जितने भी हिली एरियाज होते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो लैंड है ये क्या बन गया है, यहाँ पर ये रास्ता सा जो बन गया है, ये बनाया नहीं गया है, ये अपने आप ही बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ से जो ये हवा की वजह से जो मिट्टी उड़ती है या कोई भी फोर्स लगा लीजिए नेचुरल, तो इससे अपने आप ही ये यहाँ पर इरोजन हो रहा है। यहाँ की जो देखिए, यहाँ पर जितनी भी मिट्टी थी, एक तो यहाँ का लेवल देखिए आप, और एक यहाँ का लेवल और एक यहाँ का लेवल, ये तीन ही लेवल अलग अलग हैं। तो यहाँ से यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है, यहाँ पर इरोजन हुआ है क्योंकि यहाँ से मिट्टी बहकर चली गई है। एंड हेयर वी कैन सी द प्रोसेस एक्टिंग ऑफ वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन वर्किंग टुगेदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। जब यहाँ पर रॉक पार्टिकल्स जो हैं हमारे यहाँ से निकल रहे हैं तो यहाँ पर वेदरिंग हो रही है। एंड जहाँ पर ये इकट्ठे हो रहे हैं जाकर, वहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। और डिपोजिशन के बाद मतलब कि क्या होगा कि अगर यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन, लेकिन अगर यहाँ पे एक बार इकट्ठा होने के बाद फिर यहाँ से भी वो निकल पड़ता है आगे की तरफ, देन इट इज़ कॉल्ड इरोजन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो एरो है ये डिपोजिशन के लिए है कि अगर यहाँ पर आकर जम जाती हैं वो चीज़ें तो डिपॉजिट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है आगे की तरफ इरोजन का, तो यहाँ पर भी अगर नहीं टिकती है एक बार डिपॉजिट होने के बाद आगे चली जाती है किसी भी तरीके से, चाहे बारिश की वजह से, पानी की वजह से या एयर की वजह से, स्ट्रॉन्ग वाइंड जिसको हम कहते हैं उनकी वजह से कुछ भी, तो वो हो जाएगा इरोजन, ठीक है। यू कैन सी द थ्री ऑफ द प्रोसेसेस हेयर इन दिस पिक्चर। एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। आप सोचेंगे कि इरोजन में भी मतलब धरती जो है वो जो पार्टिकल्स हैं, सोयल पार्टिकल्स हैं वो बह जाते हैं और वेदरिंग में भी बैठ जाते हैं, लेकिन वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट। वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस एंड वेदरिंग जो होती है वो रॉक्स को ब्रेक करती है। वेदरिंग की वजह से जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ती है वेदरिंग। लेकिन जो इरोजन होता है वो या तो वाटर की वजह से या मतलब हवा की वजह से, किसी की वजह से, मेनली वाटर ही होता है इसमें, जब वो चीज़ें बहा के ले जाती हैं डाउन हिल, जैसे यहाँ पर जा रहा है, इसके अंदर वाटर के अंदर इतनी नहीं है कि ये इसको तोड़ सके, समझ आ रही है आपको। वेदरिंग का मतलब क्या है, वेदरिंग का मतलब यही है कि रॉक्स के पार्टिकल्स को तोड़ देना। लेकिन इरोजन में क्या है, इरोजन में वो जो पार्टिकल्स तोड़े हैं वेदरिंग की वजह से, जो पार्टिकल्स इकट्ठे हुए हैं उनको वाटर
एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है और वहाँ पर जाकर अगर डिपॉजिट कर देता है तो वो हो जाता है डिपोजिशन या इरोजन। इरोजन अगर वो बहा के ले जा रहा है तो इरोजन हो गया। ओके, अब यहाँ पर इस पिक्चर में भी आप अच्छे से देख सकते हैं, किस तरीके से वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है। वेदरिंग इज अ प्रोसेस, ओके, और फिर यहां देखिए आप वेदरिंग में वाइंड रेन एंड अ फ्रीजिंग ब्रेकअप रॉक। तो विंड रेन और फ्रीजिंग ब्रेकअप रॉक, इससे वेदरिंग होती है। मतलब वेदरिंग क्या करती है, वेदरिंग एक चीज को तोड़ देती है, ठीक है। उसके बाद चाहे रेन हो, चाहे स्ट्रॉन्ग विंड्स हो, चाहे मतलब ये क्या करते हैं, जो ब्रोकन मटेरियल होता है जो वेदरिंग ने तोड़ा है उस ब्रोकन मटेरियल को बहा के लेके जाते हैं। और वो एजेंट कौन से हैं, वो एजेंट रेन भी है और विंड भी है, तेज जो विंड्स चलती हैं, ठीक है। तो इरोजन मूविंग ब्रोकन मटेरियल को लेके जाना, ना कि तोड़ना। तोड़ने की जो प्रोसेस है वो वेदरिंग है, ठीक है। और डिपोजिशन क्या है, जो मटेरियल डिपोजिटेड इन अ न्यू स्पॉट। तो यहाँ पर आप सारी चीज की सारी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो टूट रहा है वो वेदरिंग की वजह से है, फिर जो बहा के लेके जा रहा है वो यहाँ पर आकर अगर डिपॉजिट हो रहा है तो वो डिपोजिशन है, और यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो इरोजन। अभी हमने ये देखा कि जो वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, अब ये काम होता है लेकिन ये करता कौन है, मीन्स इस ग्रेडेशन के, ग्रेडेशन मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स कि लेवलिंग ऑफ लैंड, ओके, कि कहीं पर लेवल जो लैंड का लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है और कहीं पर कम हो रहा है, और ये हो किसकी वजह से रहा है, वेदरिंग की वजह से, ठीक है। और वेदरिंग के बाद इरोजन और डिपोजिशन, ये दो चीज़ें होती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर पार्टिकल्स का जाना और जमा हो जाना, ये तीन चीज़ें हमने अभी तक सीखी। अब ये जो चीज़ें हैं मीन्स इरोजन और डिपोजिशन, ये क्या है, मतलब कौन करता है, मतलब इस ग्रेडेशन के एजेंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एजेंट है वो है रनिंग वाटर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अ रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म हैज़ अ लाइफ साइकिल। इट टेक्स बर्थ इन अ माउंटेन। यू कैन सी हियर, ये माउंटेन से निकलती है, माउंटेन से निकल रही है, तो बर्थ प्लेस इसका माउंटेन और हिल हो सकता है। देन इट बिकम्स लार्जर वेयर इट इज मेट बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज, flows over plains and finally ends when it reaches the sea. Okay, तो ये हमने देखा कि जो जो हमारी रिवर होती है वो एक माउंटेन से निकलती है, कितनी तेज़ी से निकलती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका फ्लो कितना तेज है। तो जिसका फ्लो इतना तेज होगा क्या वो अपने साथ कुछ बहा के नहीं लेके जाएगा, ऑब्वियसली लेके जाएगा। तो इसलिए जो पहला जो एजेंट है, एजेंट क्या होता है, जो जैसे हम कहते हैं कि ये वीज़ा एजेंट है, और या फिर ये बैंक का एजेंट है ना, या ये इंश्योरेंस का एजेंट है। एजेंट कौन होते हैं, जो उस कंपनी के लिए काम करते हैं वो एजेंट होते हैं उसके, ठीक है। अब ग्रेडेशन हमने यहाँ किया कि वेदरिंग होगी, इरोजन होगा और डिपोजिशन होगा, उसकी वजह से ही जो है ग्रेडेशन होगा। ग्रेडेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मिट्टी बह के जाएगी, ठीक है, वो ग्रेडेशन हो गया, और उसी की वजह से अर्थ के सरफेस में चेंज आ रहा है, क्योंकि हमारा लेसन क्या है, अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। यानी कि चेंजेस जो होते हैं वो सरफेस के, जो एक्सटर्नल चेंजेस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कि उसकी सरफेस के ऊपर जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वो आता है सोयल के अंदर। अगर आपके सोयल के, आपके लैंड के लेवल में चेंज आएगा, इट मीन्स अर्थ के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो एजेंट है वो है रनिंग वाटर, जो रनिंग, क्योंकि रनिंग वाटर जितना तेज होगा उसके अंदर उतनी ही पावर होगी, और वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को बहा के लेके जाएगा, और ऑब्वियसली उससे धरती की जो लेवल है, लेवल ऑफ लैंड है, उसके ऊपर 100% इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जितनी तेज़ी से, अब ये ऊपर से इतना तेज़ी से बह के आ जो रहा है, ये ऑब्वियसली जब लगातार पड़ेगा नीचे, बार बार गिरेगा, तो इसके जो भी ये बड़ी बड़ी आपको रॉक्स दिखाई दे रही हैं उसमें भी हिंदी में एक कहावत है वैसे तो, कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो ये आप अगर अपने हिंदी के टीचर से पूछेंगे तो बेटर आपको समझा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। अब ये जो बार बार जो पानी गिरता जा रहा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसकी वजह से बड़ी बड़ी जो
रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो मतलब चीज़ें होती हैं वो भी टूट जाती हैं एक ही चीज़ के ऊपर बार बार जब प्रेशर पड़ता है तो ऑब्वियसली वो टूट कर वहाँ से गिर जाती है और आगे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर ये देखें, अगर आप देखेंगे तो इट्स एन अर्ली एज द रिवर इज़ यंग, ओके, इट फ्लोज ओवर स्टीप माउंटेन्स वेयर इट्स रेयर रेट ऑफ इरोजन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर जब ये इतनी ऊंचाई से गिर रही होती है, इतनी ऊंचाई से गिर रही होती है और इसमें पूरी फोर्स होती है, इसीलिए जो रेट होता है, रेट जो इरोजन, रेट ऑफ जो इरोजन है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा। अब इसमें इतनी पावर है, इतनी फोर्स है, तो ऑब्वियसली ये अपने साथ बहुत कुछ बहा के लेके जाएगी, ठीक है। ड्यू टू डाउन कटिंग वर्क ऑफ अ रिवर इट फॉर्म्स स्ट्राइकिंग यूथफुल फीचर्स लाइक आई शेप्ड एंड वी शेप्ड शेप्ड वैलीज वाटरफॉल्स एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ये आप वाटरफॉल देख ही रहे हैं, ये इस तरह की जो वैलीज हैं ये आई शेप्ड वैली होती हैं और वी शेप्ड जो वैली होती हैं वो ये हैं, आप देख सकते हैं ये जो शेप बन रही है वी या यू भी बनती है कई कई बार, यू शेप्ड और वी शेप्ड, यू कैन सी हियर यू शेप्ड और वी शेप्ड वैलीज। ये क्यों बनती हैं, ये पानी के प्रेशर की वजह से बनती है, जब जो मतलब माउंटेन होते हैं जब वहाँ से रिवर गिरती है तो पूरे फोर्स के साथ गिरती है और इसलिए अपने साथ सारी मिट्टी को बहा के लेके जाती है, जितनी भी मिट्टी होती है। अब देखिए आपकी नाली में अगर पानी चल रहा होता है, आपके घरों के पास जो नालियाँ हैं उनमें पानी चल रहा होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी फोर्स नहीं होती कि वो पानी अपने साथ किसी चीज़ को बहा के लेके जा सके, वो बहता तो है लेकिन वो उन चीज़ों के ऊपर से बह जाता है, वो चीज़ें नीचे पड़ी रह जाती हैं क्योंकि उसके अंदर इतनी फोर्स नहीं होती। लेकिन जब भी पानी के अंदर, पानी जब ऊंचाई से गिरता है पूरे प्रेशर के साथ गिरता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स होती है और वो अपने साथ सब कुछ बहा के लेके जाता है, जैसे बाढ़ में होती है, फ्लड आती है। तो एंड दीज टाइप ऑफ रिवर्स और वैलीज आर कॉल्ड मीएंडर्स। मीएंडर्स मीन्स एज द रिवर एंटर्स द प्लेन्स, जब इतनी ऊपर से वो ऊंचाई से आती है तो अपने साथ बहा के लेके आती है, लेकिन जब वो प्लेन पे आ जाती है, जब वो हिली एरियाज पे होगी तो ऑब्वियसली जैसे मान लिया ये माउंटेन है, अगर माउंटेन से गिरेगी तो यहाँ से गिरेगी तो पूरे फोर्स के साथ गिरेगी, लेकिन जैसे ही वो प्लेन्स पे आ जाएगी तो इस टाइप की शेप्स, प्लेन्स जो प्लेन धरती होती है तो इस टाइप की जो शेप है वो आ जाएगी। इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, ओके, एंड हियर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीजेज एंड द स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन स्लो स्पीड ऑफ द रिवर एंड ड्यूरिंग द स्टेज द रिवर इज सेड टू फ्लो थ्रू मीएंडर्स। मीएंडर्स दीज आर कॉल्ड मीएंडर्स, ओके। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये रिवर का वो पार्ट है जहाँ पर पानी प्लेन एरिया में आ जाता है और उसके अंदर इतनी फोर्स नहीं होती कि वो अपने साथ कुछ बहा के लेके जाए, तो जो ऊपर से बहा के लेके आता है वो यहीं छोड़ जाता है और उसके बाद जो पानी का लेवल तो बढ़ जाता है लेकिन उसका जो फ्लो होता है, जो उसकी स्पीड होती है, जो उसका स्लोप होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, और पानी यहाँ से धीरे धीरे निकलता है और जब धीरे धीरे निकलेगा तो ऑब्वियसली अपने साथ कुछ भी बहाकर नहीं लेके जाएगा। और इसीलिए प्लेन्स जो हैं वो इतने फर्टाइल होते हैं, इतने उपजाऊ होते हैं क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इतनी अच्छी अच्छी मिट्टी वो पानी अपने साथ माउंटेन से बहा के लेके आता है और उसको छोड़ देता है प्लेन्स में, क्योंकि तब उसके वहाँ फोर्स नहीं बचती उसके पास, तो वहाँ पर क्या है वो जो धरती होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और जैसे हरियाणा है, पंजाब है, ये जो एरियाज हैं, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया है नीचे वाले साइड और उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं वो बड़ी फोर्स के साथ निकलती है, लेकिन ये जो प्लेन एरिया में आ जाती हैं तो वहाँ पर अपनी सारी अच्छी अच्छी जो मिनरल्स वो लेके आती हैं वो छोड़ देती हैं। दैट इज़ वाई द प्लेन्स आर कॉल्ड फर्टाइल एंड दे हैव द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और एनी एरिया। एंड बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज एंड स्लगिश एंड गेट्स डिवाइडेड इंटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। इट नाउ कम्स टू इट्स ओल्ड एज द रिवर दस डिपॉजिट सिल्ट सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर अ लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ एंड दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डेल्टा। द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ आप देख सकते हैं जब भी कोई रिवर ऊपर से आती है, सबसे पहले जब वो माउंटेन से निकलती है तो हम उसे यंग रिवर बोलते हैं। यंग रिवर के अंदर बहुत ही ज़्यादा
एनर्जी होती है, फोर्स होती है. जैसे आप यंग बच्चे हो, है ना, तो आपके अंदर पूरी एनर्जी है, पूरी फोर्स है आपके अंदर, आप कुछ भी कर सकते हैं. तो वो है जो वो मतलब वो यंग रिवर होती है. उसके बाद जब वो प्लेन्स में आ जाती हैं, धीरे धीरे बहने लगती है, तब वो मैच्योर रिवर बन जाती है. अब जैसे आपके फादर, आपकी मदर, वो सारे मैच्योर हैं, तो वो बहुत सोच समझ के काम करते हैं सारा, है ना. अब आपके अंदर तो पूरी एनर्जी है, बस मैं अभी कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन आपके मदर फादर मैच्योर जो है, पूरी मैच्योर मैच्योरिटी में आ चुके हैं, तो इसलिए वो बहुत शांत होते हैं और सोच समझ के काम करते हैं. तो इसीलिए जब एक रिवर मैच्योर हो जाती है तो वो भी बहुत शांति से चलती है और अपने साथ कुछ लेके नहीं जाती. है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल. वो अपने साथ कुछ लेके नहीं जाती, फिर वो मैच्योर हो जाती है, उसको पता है कि आप उसको सब का ख्याल रखना है. और फिर जब वो, अब जितने भी रिवर्स हैं आपको पता है वो सारी की सारी ओशंस में या सीज में या फिर जैसे बे ऑफ बंगाल है उसमें जाके गिरती हैं, ठीक है. तब ये अपनी ओल्ड एज में आ जाती हैं. अब आपके दादा दादी की तरफ देखिए, आपको क्या लगता है जब ओल्ड एज में आ जाती हैं तो उसमें क्या है कि वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है, और कई हिस्सों में बढ़ जाती है. जैसे आपके जो दादाजी हैं उनके कितने, आपके पापा, आपके चाचा, पूरा परिवार, आपकी मम्मी, फिर आप, है ना, ग्रैंड चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस, तो वो सारे ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन और यू नो बेटा बेटी, फिर उनकी बेटे, तो बहुत सारे चीज़ें आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ होती हैं. तो उसी तरह से फिर जो रिवर होता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है. तो रिवर में बहुत सारी सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई रिवर आ रही है. अब ये ओल्ड एज में है, अपनी ओल्ड एज में है ये, ठीक है. ओल्ड एज से यहाँ एक, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे अलग अलग. अब आपको बीच बीच में यहाँ पर देखिए, बीच बीच में आपको दिखाई दे रही होगी जगह, जैसे ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है. तो ये इतने चैनल्स बन जाते हैं इसके, यहाँ से निकलेगी ये धरती छोड़ दी, यहाँ से निकलेगी ये धरती छोड़ दी, यहाँ से निकलेगी. तो इस तरह के ये जो होते हैं, ये माउथ ऑफ द रिवर होता है. ये मेन रिवर यहाँ से आ रही है और ये सेडिमेंट्स को, जो ये यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में जो जगह दिखाई दे रही है, ये सेडिमेंट्स को यहाँ पर छोड़ देती हैं. तो यहाँ पर वो सिल्ट, सैंड, सेडिमेंट जो भी लेके आती है वो अपने माउथ के ऊपर यहाँ छोड़ देती है. इसको हम माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं, ठीक है, इसको माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं. तो यहाँ पर जो ये चीज़ है, फिर ये डेल्टा बनाती है. ये डेल्टा होता है जहाँ पर इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा डेल्टा है, ठीक है. एट द रिवर माउथ अ रिवर लॉसेस एनर्जी एंड स्टार्ट टू डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स. और उसके बाद यहाँ आपको जैसे कि दिख रहा है कि एज द सेडिमेंट्स बिल्ड अप द माउथ विल बी ब्लॉक्ड. तो माउथ जैसे जैसे वहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा होते रहते हैं तो माउथ जो है वो ब्लॉक हो जाता है. एंड द रिवर ऑल्सो स्प्लिट इंटू सेवरल स्मॉल चैनल्स. और फिर वो अलग अलग चैनल्स में बढ़ जाती है, जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं, ठीक है. और इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं. और ये सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज ये सारी की सारी सी के अंदर चली जाती हैं. तो आज के वीडियो में इतना ही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट अदर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशंस लाइक ग्लेशियर एंड विंड्स एंड अदर थिंग्स लाइक सी वेव, सोयल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोयल टाइप, फॉर्मेशन ऑफ सोयल. सो अभी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बाकी है, अभी बहुत नॉलेज गेन करनी बाकी है. सो अभी आप आज इस लेसन को यहाँ तक ही पढ़ेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करेंगे. टिल देन, बाय बाय.